हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने इससे पहले आपको बताया था ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं। एक मैं क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ इस टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। तो देखो, जो हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल बताया था, यदि आपको याद हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है ना, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है उसे हम बोलते थे ऑर्बिट। क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे ऑर्बिट। तो सिंपल यहां पे क्या बन रहा है? जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो क्या है? सारे के सारे वो ऑर्बिट है। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान सुनना, ऑर्बिटल किसे बोलते थे? ऑर्बिटल हम बोलते थे सिंपल ऐसे रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम होती थी, उस रीजन को हम बोलते थे ऑर्बिटल। जैसे मान लो ये रीजन हो गया आपका सिंपल, यदि हम बात करें यहां पे रीजन की, तो आप देख सकते हैं ये वाला जैसे रीजन हो गया, मैंने ये रीजन ले लिया है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, मतलब अप टू 99.9%, यदि देखा जाए तो अप टू 99.99%। हमने ये भी बताया था उस टाइम, जैसे आप इंडिया, आप मान लो इलेक्ट्रॉन हो, और मैं इंडिया को लेता हूँ, एक आपका एक भारत का नक्शे पे देखा जाए तो आपका घर देखा जाए तो बहुत स्मॉल रीजन है ना, जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो अपने घर में। तो इंडिया के कंपेरिजन में आपका क्या है बोलो? ऐसा रीजन, छोटा सा स्पेस ही तो, या छोटा रीजन है जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी रीजन होता है जहां पे मैक्सिमम टाइम बिता रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो रीजन कैसा भी हो सकता है, या इस तरीके से भी रीजन हो सकता है, कोई इस तरीके से भी रीजन हो सकता है, कैसा भी रीजन होता है। तो एक्चुअली जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप पढ़ते हो, एक्चुअल वो शेप्स नहीं है, वो क्या है? वो रीजन है, रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल ऑर्बिटल बोल रहे हैं। एक्चुअल में हम ऑर्बिटल शेप्स ऑफ ऑर्बिटल देख बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रीजन है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको आई थिंक। अब देखो, हम देखते हैं सबसे पहले, यदि बात करें तो हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले कौन कौन सी ऑर्बिटल हमें पढ़नी है। तो देखो, यहां पर आपको रीजन कौन कौन से देखने? एस ऑर्बिटल देखना है, ठीक है, एस ऑर्बिटल के बारे में आप शेप देखेंगे, पी ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, ठीक है, आप डी ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, आप एफ ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, एफ ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, ये सारे शेप देखेंगे। लेकिन एफ ऑर्बिटल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है तो हम इसको नहीं देखते हैं, ठीक है, मैं आपको लेकिन सिंपल दिखा दूंगा, लीफ लाइक शेप होते हैं वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो हम एक एक करके देखते हैं यहां पर ऑर्बिटल्स के शेप या रीजन की हम बात करते हैं। तो देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा एस ऑर्बिटल दिख रहा है, और एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती थी, यदि याद हो आपको? जीरो होती थी, ठीक है, क्या होती थी? जीरो। आपको दिख रहा होगा यहां पे, देखो इस तरीके से, ये एक्चुअल रीजन है क्या? इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? इस तरीके से यदि हम देखें तो न्यूक्लियस के चारों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेव मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? वेव मोशन इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या बिता रहा होगा? मैक्सिमम टाइम बिता रहा होगा, अप टू 99% तक। तो देखो, देखते हैं यहां पे, तो उस रीजन के बारे में देखते हैं, तो उसी रीजन को बोलना हम एस ऑर्बिटल, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम शेप देखें, ये आपका सिंपल रीजन हो गया, इस तरीके से रीजन मिल रहा है आपको, ठीक है, ये रीजन है आपका, है ना, ये कैसा है? स्फेरिकल, यदि देखा जाए तो। जो एस ऑर्बिटल का हम क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप होता है इस तरीके से, सिंपल, ये स्फेरिकल शेप हो गया। मैं 2D बनाया हूं, लो 3D कर देता हूं इसको, इस तरीके से एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये किस नेचर के होते हैं यदि देखा जाए? यहां पर ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझो, यहां पर क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है, सिंपल यदि बात की जाती है तो, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, इज सेम। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, मतलब आप देखो इस डायरेक्शन में जाएं, जाएं आप इस डायरेक्शन में जाएं, 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 किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अच्छा अब दो पॉइंट और आते हैं। हमने वहां पे आपको बताया था जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर पढ़ा रहा था मैं वहां पे, तो मैंने आपको एक दो पॉइंट बताते, एक नोड और एक नोडल प्लेन, ये दो पॉइंट बताए थे हमने। यदि मैं नोड की बात करूं तो नोड उसे बोलते थे ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या हो, जीरो, मतलब एट पॉइंट, एट विच पॉइंट, हम ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, क्या होती है, जीरो होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम नोड बोलते हैं। अच्छा नोडल प्लेन किसे बोलेंगे, नोडल प्लेन हम उसे बोलते हैं सिंपल, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या होगी, जीरो होगी। मतलब यहां भी क्या होती है बोलो, एट विच प्लेन है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। ठीक है, ये बात हो गई। तो देखो यहां पे लिखा हुआ अभी, तो यदि बात की जाए यहां पे देखो लिखा हुआ है एट विच प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जीरो होगी उसे हम नोडल प्लेन बोलेंगे। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो आपके घर में तीन रूम है, आप लाइक इलेक्ट्रॉन, आप एक रूम में बैठे हो तो उन दो रूम में क्या हो, जीरो है, वहां पे आप पाए नहीं जाओगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएंगे। जो दो रूम होंगे वो आपके सिंपल नोडल प्लेन हो जाएंगे। अब देखो, तो ये बात क्लियर है ना। अब हम इसमें पूछा जाए, यदि आपसे इसमें पूछा जाए एस ऑर्बिटल का शेप में या रीजन में, एस ऑर्बिटल के शेप में पूछा जाए कि सर ये बताओ मुझे कि यहां पे नोड मिलेगा, नोड क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा आपसे पूछा जाए यहां पे क्या नोडल प्लेन मिलेगा, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर एक डायरेक्शन में, तो कैसा होगा, नोडल प्लेन भी क्या होंगे, जीरो होंगे। रे कैसे होंगे बच्चा, जीरो होंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर। तो आई होप आपको नोड और नोडल प्लेन भी यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो लिखा हुआ भी है कि जो द ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट क्या है वो, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, चलो ये तो एस ऑर्बिटल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। यदि पी ऑर्बिटल की बात की जाए तो देखो ऐसा रीजन, ध्यान सुनना, रीजन की बात कर रहे हैं, देखो जहां पे ये वाला रीजन है इस तरीके से, आपने डंबल दिया जिम, देखो जिम इस तरीके से डंबल करते हो सिंपल इस तरीके से, है ना, देखो ये बॉडी से है ना, तो यही वाले डंबल, ठीक है, सिंपल से आप समझ सकते हैं, तो सिंपल उसी शेप का होता है। तो देखो ये रीजन है सिंपल, इस तरीके से रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं हम डंबल, या इसको शेप जो बनता है वो बनता है डंबल शेप। ठीक है, क्या बनता है, डंबल शेप। अब देखो ध्यान से समझना, इस तरीके से हम बना देते हैं सिंपल सी, ये आपका डंबल शेप है, इस तरीके से बनेगा कुछ। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया हो। अच्छा आपने कान देखे, कान, ये कान दिख रहे होंगे आपको यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। तो यदि एक यहां पे कितने लोब्स हैं, एक लोब ये है, बोलो एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो कितने हो गए, देयर आर टू लोब्स, कितने लोब्स होते हैं, टू लोब्स होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। तो देखो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, दूसरी बातें और अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने देखा था नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता था, कैसा होता था, एस ऑर्बिटल जो था वो आपका नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ये कैसे होते हैं, ये आपके डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है सर, डायरेक्शनल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन इज नॉट सेम,
है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन इज नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, ये बात क्लियर आपको, है ना। अब देखो, तो जो आपके पी ऑर्बिटल वाले थे सिंपल, देखो आप देख सकते हो यहां पे इस तरीके से हमारा एक शेप आया था पी ऑर्बिटल का, ठीक है, इस तरीके से रीजन मिला था हमें। ये कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इस डायरेक्शन में जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या नहीं है, हर एक डायरेक्शन में नहीं मिल रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसे बोल रहे हैं डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो जनरली जो पी ऑर्बिटल की ऑर्बिटल्स होती हैं, जो जनरली पी ऑर्बिटल, ध्यान समझना, वो तीन होती हैं। कितनी होती हैं, तीन, एक होती है पी एक्स, एक होती है पी वाई और एक होती है पी जेड, ठीक है। अच्छा, अब पी एक्स मतलब जो एलोंग दी एक्स एक्सिस बनेगा उसे पी एक्स ऑर्बिटल बोलेंगे, एलोंग दी वाई एक्सिस बनेगा पी वाई ऑर्बिटल बोलेंगे, एलोंग दी जेड एक्सिस बोलेंगे तो पी जेड ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे मैं बनाता था, दी याद हो आपको, क्वांटम नंबर में अपन ने देखा था इस तरीके से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, किसी को भी पी एक्स बोल दो, किसी को भी पी वाई बोल दो, किसी को भी पी जेड बोल दो। ये बात क्लियर। अब देखो, ध्यान समझना, अब हम देखते हैं, जैसे मान लो शेप देखते हैं, ठीक है। अब देखो शेप कैसे बनेंगे, इस तरीके से एलोंग दी एक्स एक्सिस बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है ना, और एलोंग दी ये क्या है आपकी, ये सिंपल आपकी बाई एक्सिस है, क्या है ये आपकी बाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये सिंपल आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब हम शेप बनाते हैं, कैसे बनेंगे, यदि आप शेप बनाओगे तो एलोंग दी एक्स एक्सिस बनता है आपको पी एक्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पी एक्स, ठीक है, एलोंग दी बाई एक्सिस बोलते हैं जिसको पी वाई, ठीक है, एलोंग दी जेड एक्सिस बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पी जेड, इस तरीके से, ठीक है, डंबल शेप है, कैसे डंबल शेप, तो आप देख सकते हैं। अब आपको एक बात तो के लिए, जैसे मान लो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको, ये कैसी होगी आपकी, ये मान लो इस तरीके से ये होगी एक्स एक्सिस, ध्यान समझना, ये होगी बाई एक्सिस और जो हमारे तरफ आ रहे हो वो क्या, तो कौन सी एक्सिस हो गई, वो हुई जेड एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये पी एक्स पी वाई पी जेड की सिंपल से शेप्स हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बहुत सारी बातें लिखी हुई, इनको पढ़ देता हूँ मैं। देखो, दीज हैव अ डंबल शेप हैविंग थ्री पॉसिबल म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन, एज दे आर नॉट सिमेट्रिकल दे आर सेट टू बी हैव डायरेक्शनल करेक्टर। कौन सा रख रहे हैं, ये डायरेक्शनल करेक्टर रखते हैं। हमने बताया भी था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन इज नॉट सेम। अब देखो, द टू लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल आर सेपरेटेड बाई ए नोडल प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोडल प्लेन किसे बोल रहे हैं, नोडल प्लेन उसे बोल रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, या हम ऐसे बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाने की क्या है, जीरो, उसे क्या बोल रहे हैं, हम नोडल प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो है, उसको हम नोडल प्लेन बोल रहे हैं। ये बातें मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अब देखो, इतना बता दिया, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, जस्ट रिवीजन भी हो जाएगा आपको। ये जो तीन ऑर्बिटल्स होती थी इनको हम बोलते थे डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्या बोलते थे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपको पता है किसे बोलते थे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स उन्हें बोलते थे जिनकी एनर्जी क्या होती थी, ऑलमोस्ट सेम होती थी, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरीके से हमने डी ऑर्बिटल बनाई हुई है। यदि हम इसके रीजन की बात करें तो इस तरीके से रीजन मिलता है, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस रीजन में मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये शेप नहीं है एक्चुअल, क्या रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस तरीके से। देखो ये आपका रीजन हो गया सिंपल, ये आपका रीजन हो गया, इस तरीके से रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ पे बात की जाए कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे देयर आर
देयर आर फोर लोब्स, कितने लोब्स होते हैं? चार लोब्स होते हैं, ठीक है, एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, ठीक है। अच्छा अब देखो जो ये शेप बनता है इसको हम बोलते हैं डबल डंबल शेप, क्या बोलते हैं बोलो? डबल डंबल शेप, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अब हम कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। यदि बात की जाए तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके वो सिंपल पांच होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से समझना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ठीक है। और ये हो गया डी जेड स्क्वायर, हम एक एक करके सारे शेप्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम देखें यहाँ पे डी एक्स वाई का देखते हैं शेप, तो अलोंग द एक्स और वाई प्लेन में बनेगा सिंपल, ठीक है, कैसे बनेगा? एक्स और वाई प्लेन में, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे इस तरीके से जब आप बनाओगे जो शेप बनेगा वो आपका सिंपल कौन सा बन जाएगा बोलो? फूल टाइप से डी एक्स वाई बन गया, ठीक है। अब देखो अब हम बनाते हैं डी वाई जेड, देखो ये y हो गया, ये z एक्सिस हो गया। अब देखो यहां पे जब y और z हो गया तो आप देख सकते हो ये सिंपल किस में चला जाएगा? y z प्लेन में हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, देखो ये एक्चुअली थोड़ा मेरा शेप गड़बड़ हो सकता है लेकिन ये चारों लोब्स बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, इनके इक्वल एरिया आ जाए, एक बात ध्यान रखना। अच्छा अब देखो, अब वाई जेड हो गया, अब हम देखते हैं तीसरा डी जेड एक्स, यहां पे एक्स ले लो, यहां पे जेड ले लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहां पे सिंपल एक्स जेड की, किस तरीके से हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है, ये एक्स जेड हो गया। अब कौन सा आएगा? नेक्स्ट वन आएगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये शेप है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बिटवीन द एक्सिस था, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आता है, कैसा आता है? अलोंग द एक्स एक्सिस आता है। मैं यहीं पर डी जेड स्क्वायर भी बात कर लेता हूं, ये आपका सिंपल क्या हो गया? अलोंग द जेड एक्सिस बनता है डी जेड स्क्वायर, तो ध्यान समझना, देखो इस तरीके से जो बनेगा ये कौन सा बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा? डी जेड स्क्वायर की सिंपल सी अपन रिंग सेरेमनी भी कराएंगे अभी, देखो यही एक ऐसा है जो शादीशुदा होता है, नहीं तो सब कुंवारे होते हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? कुंवारे होते हैं। देखो इसकी रिंग सेरेमनी करानी पड़ेगी क्योंकि इसके जो सेंटर, यदि हम यहाँ पे बात करें, एक रिंग पहना देते हैं, ये आपकी रिंग है सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पांच ऑर्बिटल्स बनते हैं। यदि बात की जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये की जाए कि यदि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात की जाती है तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। लेकिन आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है कैसा होता है? डी जेड स्क्वायर, ये कौन सा नहीं होता है? ये आपका सिंपल यदि देखा जाए तो ये क्या नहीं होगा? ये आपका डायरेक्शनल नहीं होता। ये कैसा होता है? ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। इकलौता यही है और शादीशुदा भी था क्योंकि इसके पास क्या आ गई? रिंग आ गई। रिंग अब समझो यहाँ पे सर्कुलर है और अब क्या हो जाएगा? ये सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पाने की। तो आई होप आपको यहां भी बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हो रहा है, मैं आपको शेप दिखा देता हूं, देखो ये इस तरीके से हो गए, देखो इस तरीके से आपको ये डी जेड स्क्वायर का शेप एक्चुअल में किसका है? डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये आपके सिंपल शेप्स
दिए हुए मैंने भी बना दिए। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की बात की जाए, एक्चुअल में हम एफ ऑर्बिटल का शेप बना भी नहीं सकते हैं प्लेन ऑफ द पेपर पे। इसकी जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है, और जो एक्चुअल इसका जो शेप आता है जो देखा गया है वो लीफ लाइक शेप बनता है। कैसा बनता है? लीफ लाइक शेप बनता है। ये आपकी 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, सिंपल 7ों के नाम लिखे हुए हैं। ये बड़ा हाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया है। एक्चुअली टीचर्स बनवाते भी नहीं है बहुत सारे, ठीक है, इनको बनवाते भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि भाई आपको बस शेप समझ में आना चाहिए। ये एफ ऑर्बिटल का होता है और आप ये प्लेन ऑफ द पेपर पे बना भी नहीं सकते हो। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रीजन हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आपको एस पी डी एफ के ऑर्बिटल्स के शेप भी पता चल गए होंगे और रीजन भी समझ में आया होगा। रीजन ही बोल रहे हैं एक्चुअल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसी रीजन को ही हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, और उसी रीजन जो जिस तरीके का हमें रीजन मिल रहा है उसी को मैंने सिंपली यहाँ पे शेप का नाम दे दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।